पुलिस महानिरीक्षक हरिनारायण चारी मिश्र ने मंगलवार को शहर पुलिस का वार्षिक निरीक्षण किया। उन्होंने एक साल से पुराने मामलों के शीघ्र निस्तारण करने और रिकॉर्ड संधारण पर भी जोर दिया। आईजी ने कहा कि थानों में परिवादियों की सुनवाई ढंग से हो, जनता से संवाद करते रहे। आईजी ने कहा खंडवा उपचुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, जिसका सख्ती से पालन करवाया जाएगा। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। किस प्रकार से आयोग को निर्देशों का पालन कराया जाएगा? आज मुख्य तौर पर खरगोन जिले का वार्षिक निरीक्षण था, जिसमें मुख्य तौर पर जिले की पिछले समय के जो तैयारियाँ, कानून व्यवस्था में पुलिस की भूमिका, अपराधों की स्थिति, इन सारे चीज़ों पर समीक्षा की। पुलिस ने पिछले दिनों कोरोना और कोरोना के बाद सक्रिय होकर प्रभावी रूप से लगातार यहाँ पर कार्रवाइयाँ की हैं। उसी कड़ी में आज जवानों के साथ, सभी अधिकारियों के साथ बैठक, उसमें अपराध से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई और अक्सर दिशा निर्देश दिए गए। जैसा कि आपने जिक्र किया कि आज से आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो गई, उसको ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों में उसका भी माननीय आयोग के जो निर्देश है उसका भी पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। कानून व्यवस्था को लेकर भी निर्देश दिए हैं मुख्य तौर पर पुलिस को एक एम्पैथेटिक तरीके से, मुख्य तौर पे जो आम व्यक्ति हैं उसके साथ समानुभूति के साथ बेहतर ढंग से व्यवहार करना चाहिए, अच्छा कार्य करना चाहिए और साथ ही साथ अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस पर कार्रवाई, सख्त कार्रवाई और उनके खिलाफ लगातार पुलिस अपना अभियान सख्ती से जारी रखे। इन मुद्दों को लेकर के चर्चा हो, साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी ऑफेंस और साथ ही साथ जो इस तरह के कानून व्यवस्था से जुड़े जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर भी विस्तार के साथ चर्चा की गई है। जो लोग बेहतर ढंग से काम करेंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा और जिनों लोगों ने, जिनके यहाँ कार्रवाई अच्छी नहीं होगी या अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पर्याप्त सजग नहीं होगी उनके रूप की कार्रवाई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।